जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग ने मंडी में जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। स्कन गार्डन के ओपन एयर थिएटर में हुई इस प्रतियोगिता में जिला मंडी के 9 लोक नृत्य दलों के लगभग 200 कलाकारों ने हिस्सा लिया। अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रतियोगिता में सांगल म्यूजिकल ग्रुप गोहर ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि गुरुकुल म्यूजिकल ग्रुप मंडी दूसरे और कामाक्षा सांस्कृतिक लोक कला मंच करसोग व सिराज लोक नृत्य दल पकवाड़ा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में पहले 3 स्थानों पर दलों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त ने प्रतियोगिता के आयोजन के लिए जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन लोक संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन में सहायक हैं। इनमें लोक सांस्कृतिक दलों को उपायुक्त मंच मिलने से उनका हौसला बढ़ता है। साथ ही युवाओं को भी अपनी संस्कृति व लोक कलाओं को जानने व इससे जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। आशुतोष गर्ग ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपनी संस्कृति को सहजने के लिए आगे आएं, ताकि हमारी समृद्ध संस्कृति परंपराएं व कलाएं जीवित रहे। उन्होंने कहा कि मंडी की संस्कृति को सहजने व बढ़ावा देने के लिए इसके लिए एक वर्ष से छोटी काशी महोत्सव शुरू किया गया है, और इस महोत्सव के दौरान भी स्थानीय लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का शुभ अवसर प्रदान किया गया है। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के आर पंछी प्रयाग संगीतज्ञ दिनेश गुप्ता, कथक नृत्य विशेषज्ञ श्यामा गौतम भाषा अध्यापक शामिल रहे। इस अवसर पर उपाध्यक्ष नगर परिषद वीरेंद्र शर्मा, पार्षद पुष्पराज कात्यायन, विशाल ठाकुर बंशीलाल, जिला भाषा अधिकारी रेप्ति सैनी सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मई के अभाव के चलते आजकल मशीनी युग में किसी के पास भी समय नहीं है कि कोई किसी कार्य के लिए दिन भर इंतजार करे, परंतु इंदौरा क्षेत्र के कुछ लोग आज भी एक सप्ताह का इंतजार करके भी आधुनिक मशीनी को छोड़कर आज भी वर्षों पुराने लगे घराट में आटा पिसाई करके ले जाते हैं। ये पुराने पारंपरिक घराट को अभी भी पूरी जिम्मेवारी से 24 घंटे चला रहे हैं। उपमंडल इंदौरा के अधीन पड़ती पंचायत मलाहड़ी के गांव कुकडाला के निवासी बलदेव सिंह राणा उर्फ काकू घराट पर जाकर देखा तो कई लोग अपने आटे की पिसाई का इंतजार कर रहे थे, और कुछ लोग अपनी गाड़ियों में सवार होकर पठानकोट, मिर्थल, इंदौरा और फतेहपुर एरिया से घराट का आटा खरीद कर ले जाने के लिए आए थे। घराट के मालिक बलदेव राणा उर्फ काकू ने बताया कि ये घराट का कारोबार करके मैं और मेरा परिवार आज बहुत खुश है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि 1980 से पहले मैं नौकरी के लिए इधर उधर भटकता रहा, पर कोई भी नौकरी नहीं मिली, और कहरन खड्ड के किनारे मेरी थोड़ी सी जमीन थी और उसमें घराट लगाने के लिए मन बनाया और एक वर्ष में घराट को तैयार करके चला दिया, और उसमें से लेकर आज तक बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। इस घराट के चलते ही मैंने पूरे परिवार की पढ़ाई करवाई और अच्छा मकान बनाया, और आज मेरे बच्चे सरकारी और निजी नौकरियां कर रहे हैं, और जब वो घर पर छुट्टी आते हैं तो भी मेरे इस काम में हाथ बढ़ाते हैं। इसलिए मैंने कृषि योग्य भूमि की खरीद की और जिसमें मैंने बागवानी के साथ साथ कृषि का कार्य भी कर रहा हूँ। उसने कहा कि मैं 24 घंटे घराट पर ही रहता हूँ और घराट चलाता हूँ। दूर दूर से लोग आटा खरीदने और पिसाई करवाने के लिए आते हैं। वे इस मौके पर घराट पर मक्के की पिसाई करवाने के लिए मलाहड़ी से आए पूर्व सैनिक समर पठानिया ने बताया कि क्षेत्र में कई चक्कियां भी लगी हुई हैं, पर लोगों ने वर्षों से इसी घराट का पीसा हुआ आटा ही खाते हैं। जब आते हैं तो एक बोरी गेहूं की छोड़कर जाते हैं और पहले से पिसाई गई छोड़ी गई बोरी ले जाते हैं, और ये आटा शरीर को हस्त पुष्ट बनाता है। सोलन के चौक बाजार में दो लोगों की जेब कटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 3 से 4 युवक दो अलग अलग घटनाओं में जेब पर हाथ साफ करते नजर आ रहे हैं। ये युवक बेहद ही शातिर हैं। इनके गैंग के कुछ युवक पहले अपने शिकार की
रेकी करते हैं और पता लगाते हैं कि और मौका पाकर उसकी जेब पर हाथ साफ कर देते हैं। गौरतलब बात यह है कि ज्यादातर वृद्धों को ही अपना निशाना बनाते हैं और बैंकों के आसपास ही अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। बैंक से पैसे निकालते हुए जब ये किसी व्यक्ति को देख लेते हैं तो उसके बाद वे उसके पीछे लग जाते हैं और उसकी गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। दो अलग अलग वीडियो क्लिप में ये शातिर लोगों की जेब से पैसा निकाल कर भागते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते ये अपने पास एक साफ लिफाफा रखते हैं और उसकी आड़ में वे जेब से पैसा निकाल लेते हैं। इस बारे में जेब कतरों का शिकार हुए पीड़ित के बेटे ने बताया कि उनके पिता बैंक से 40,000 रुपए निकाल कर लाए थे। जैसे ही वे चौक बाजार पहुंचे तो एक युवक ने उनके पिता के जेब से 40,000 रुपए निकाल लिए। इसके लिए वे जिला पुलिस से आग्रह करते हैं कि वे जल्द से जल्द इन युवाओं को पकड़े ताकि वे किसी अन्य की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ न करें।